हाय एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ स्टेट कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा चल रहा है, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपको मैं प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा क्या क्या लगती है, क्या बॉन्ड होते हैं, किस तरीके का बॉन्ड, किस में बॉन्ड होती है, सारी चीज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है आपको रेडी करके रखना है, ये आपको साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये साइट पे आपको मिलेगा, तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। सबसे पहला जो काउंसलिंग के समय जब आपको दस्तावेज, जब आपको चेकिंग होगी, ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको, 8 डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। जैसे कि नीट की परीक्षा का प्रवेश पत्र, मतलब एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा, आपको नीट में जो अंक सूची आएगा, जैसे कि स्कोर कार्ड हो गया वो, ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको रखना है। 12th की भी आपको मार्कशीट रखनी है, आप याद रखें मार्कशीट नहीं, ठीक है, मार्कशीट आपको रखना है, ना कि आपको आपको सर्टिफिकेट मिला होगा 12th का, वो नहीं, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, मार्कशीट आपको रखना है, आप याद से समझ ले इसको। छत्तीसगढ़ राज्य वास्तविक निवास प्रमाण पत्र, तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, छत्तीसगढ़ का, अगर छत्तीसगढ़ का बना हुआ होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ का निवासी है, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर होता है तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र सहित विगत 3 वर्षों का आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, मतलब 3 वर्ष का आपको आय प्रमाण पत्र जो कि आपको फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट के लिए ना थोड़ा ये सब ज्यादा टाइट है, ठीक है। अगर एक भी अगर कुछ नहीं होता, अगर आप विकलांग या फिर दिव्यांग में या फिर सैनिक के, जो सैनिक का जो कोटा होता है वो उसके थ्रू हो जा रहा है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें थी। अब हम लोग, अब महाविद्यालय जैसे कि कॉलेज में आपको क्या क्या सब लगेगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए, आवंटन पत्र, शासकीय सेवा बंध पत्र, मतलब बॉन्ड, बॉन्ड जो आपको लगेगा, ठीक है, सिर्फ एमबीबीएस के लिए, जो बीडीएस के लिए उसके लिए नहीं होता बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पर लग रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड सिर्फ होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बॉन्ड के लिए आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेकेज बॉन्ड भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको कोर्ट से बन जाता है, ठीक है, ये आपको कोर्ट से बन जाएगा, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर ले लेना या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे आपका ये सब बन जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है, या तो यह कॉलेज में ही बन जाता है, जो कॉलेज वाले जहाँ आपको अलॉट होता है वहां पे भी बन जाता है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ कहीं भी आप लास्टली कहाँ पे भरे, अगर आप गैप सर्टिफिकेट में, आप अगर किसी भी तरीके का आप ये लिखे होंगे गैप सर्टिफिकेट में कि हाँ हमने नीट की तैयारी करते समय 12th के बाद कोई भी कॉलेज या फिर ये कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट 12th का लगेगा, ये याद रखो, ठीक है। अगर आपने गैप सर्टिफिकेट में आपने ये लिखा है कि मैंने कॉलेज छोड़ के उसके बाद 1 साल तैयारी की, उसके बाद एडमिशन लिया, तो इस कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट वहां का लगेगा जहाँ कि आप लास्टली कॉलेज छोड़े हैं, ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। ये सब सारा आपको बनेगा इस पे स्टाम्प पेपर पे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बन जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, चरित्र सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको वहां से मिल जाएगा स्कूल से ही, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जहाँ से आप लास्टली ट्रांसफर लिए हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज कलर अथवा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी आपको, 4 4 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेना है, कलर और ब्लैक व्हाइट दोनों, ठीक है। आपको शुल्क की बात कर दे, प्राइस जो आपको डीडी बनाना है, तो डीडी जिस कॉलेज के अकॉर्डिंग जितना फीस है उतने का आप डीडी आप बना ले, ठीक है। आप डीडी आपका तभी बनेगा जब आपका कॉलेज अलॉट होगा तो, ठीक है, और ये सब सारा सर्टिफिकेट भी आपको क्या बनेगा जब कॉलेज अलॉट होगा तो, ये पूरा, ठीक है, तो ये सब बन जाता है। और अगर किसी तरीके का आपको हेल्प चाहिए तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इसमें आपको हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये सब सारा कॉलेज जो है, अब इसका 2 सेट फोटोकॉपी आपको तैयार रखना है, ठीक है।
अब इसका दो दो सेट फोटो कॉपी आपको करवा के रखना है। मैं कह रहा हूँ आप 5 सेट कॉपी आप अपने पास बना के रख ले अलग अलग सारे दस्तावेज का, ठीक है? ठीक, तो ये सब सारी बातें थी। मैंने कट ऑफ के बारे में आपको पिछले लेक्चर में आपको बता दिया, पिछले वीडियो में, कि आपको कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है? प्राइवेट के लिए आप 570 प्लस मान के चले, अगर आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए, ठीक है? अगर 470 मान के चले आप स्टेट कोटा के लिए, इतना आप मान के चले, ठीक है, जनरल के लिए। चलो तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो नए किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपने अपने पर ध्यान रखे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।